ता 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 मालपुआ और घेवर कुंड बावे नरेंद्र सिंह जी राजिया सर गया नींद कुंड आवे। महिलाएं सस्ती संवरती हैं, मेहंदी लगाती हैं, अच्छी अच्छी मिठाइयां अपने पकवान घर पे बनाती। नमस्कार, मैं हूँ सुमेस्ता बिश्नोई और आप इस समय लाइव तस्वीरें देख रहे हैं बीकानेर से। पूरे राजस्थान में तीज का त्यौहार मनाया जा रहा है जो कि बहुत ही प्रसन्नीय त्यौहार है। साथ में आप देख पा रहे हैं ये तस्वीरें लाइव पब्लिक पार्क से, जहाँ पर कि हरे भरे मौसम में महिलाएं सज धज कर इस त्यौहार को मनाने आई है। आइए आज हम इनसे जानेंगे कि किस प्रकार से तीज का त्यौहार मनाया जाता है, वह महिलाओं के बीच इसका क्या खास महत्व रहता है। नमस्कार। 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 आपका नाम? विमल कंवर। अच्छा, कैसा लग रहा है तीज के त्यौहार पे? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, और कहाँ से आए आप? बीकानेर के रहने वाले हैं। अच्छा, बीकानेर के रहने वाले। और आप? बीकानेर के रहने वाले हैं, करण नगर से आए हैं जी। गोपाल का और मेरा नाम है, और बहुत अच्छा लगे तीज के त्यौहार में। आप बताइए आपका नाम क्या है? दीपा। तो तीज का त्यौहार जो है वह राजस्थान भर में क्यों खास माना जाता है? ये मेरे ख्याल से शिव पार्वती सावन मास में आता है, तो पति की लंबी आयु और उसके लिए, जहाँ तक मेरे को नॉलेज है। और आप बताइए कि इस त्यौहार को किस प्रकार से महिलाएं जो है सेलिब्रेट करती है आज के दिन? आज के दिन पहले वाले दिन ही महिलाएं मेहंदी लगा लेती है, तैयार होती है और झूला झूलती है और हर्ष उल्लास से त्यौहार मनाती है, पति का नाम लेती है। और आप थोड़ा सा इधर आ जाइए और बताइए कि ये त्यौहार जो है महिलाओं के बीच में, बीकानेर के बीच में किस तरीके से इस त्यौहार को मनाया जाता है? महिलाएं सस्ती संवरती हैं, मेहंदी लगाती हैं, अच्छी अच्छी मिठाइयां अपने पकवान घर पे बनाती हैं, मेहंदी लगाती हैं, लहरियां पहनती हैं और झूला झूलती हैं और अलग अलग तरह की साखियाँ बोलती हैं अपने पति के, पतियों के नाम ले लेकर। तो ये झूला झूलने का क्या महत्व है? एक एंजॉयमेंट के लिए। अच्छा। हरी खूंटी लाल खूंटी बेंगड़िया चौबारो आगा सिर को नरेंद्र सिंह जी आदो पलंग मारो जी। तो इस साखी का क्या अर्थ हुआ? पति का नाम लेते हैं, उम्र बढ़ती है इससे। अच्छा, तो ये मान्यता कब से मानी गई है? ये राधा और कृष्ण के टाइम से है। अच्छा, टाइम से है। हाँ, और सीताराम भी लेते, सीता जी भी लेते थे राम का नाम। अच्छा, तो ये एक ही साखी गाई जाती है, कुछ और भी? और भी है, बोल रही हूँ ना। सुना दीजिए। हाँ, थोड़ा सा। सोना को ताड़ो जड़ाव की कुंची, अरमन राखे नरेंद्र सिंह जी आपका जी ऊंची। इसका भी अर्थ बता दीजिए साथ साथ में, थोड़ा थोड़ा अर्थ बता। सोना को तो ताड़ो और जड़ाव की चाबी, और मेरे पति है ना अपने जीव से ऊपर रखते मेरे को। अच्छा, समझ गए जी। और एक और एक और एक और एक, एक मेला फोड़ी काकड़ी जरो का नाखे बीज जी। आओ नरेंद्र सिंह जी आपा खेला सावन की तीज। अच्छा, ऊंचा नीचा गोखड़ा और गड पत गांव और दाता सा मार सा बेटा को नरेंद्र सिंह जी नाम जी। बस इतनी। और इसका भी अर्थ थोड़ा सा? मेरे ससुर और माँ का, सास का नाम ले लिया और पति का नाम ले दिया, उनके बेटे हैं वो। अच्छा, हाँ। ताता ताता मालपुआ और घेवर कुंड बावे नरेंद्र सिंह जी राजिया सर गया नींद कुंड आवे। तो जैसा कि इन्होंने बहुत ही सुंदर साखियां सुनाई, और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं झूला लेने के लिए कितनी सारी महिलाएं उत्सुक होकर आज इस पार्क में यहाँ पे मौजूद है, ताकि जो है इस उपहार का, इस त्यौहार का जो है मौके का फ़ायदा उठाया जा सके। और ये जो है सावन तीज का त्यौहार, सावन के अंदर आया है, आज है सावन तीज का त्यौहार। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं किस प्रकार से महिलाओं में कितना ज़्यादा उत्साह है इस सावन के त्यौहार को लेके। ये सावन मास का त्यौहार बहुत ही खास माना जाता है महिलाओं के बीच में, क्योंकि इस दिन वे अपने पतियों के लिए व्रत रखती है तथा झूला झूलने के लिए ऐसे हरे भरे पार्क में आती है, जो सावन में सावन की बारिश से और ज़्यादा खिल उठते हैं। इस समय आप देख पा रहे हैं कितना ज़्यादा शाम का मौसम है तथा यहाँ पर कितनी ज़्यादा सजी धजी महिलाएँ घूमने के लिए आई हैं। पीछे आप देख पा रहे हैं बीकानेर का सेल्फी पॉइंट भी है, मैं आपको दिखाना चाहूँगी। पीछे जो है बीकानेर का सेल्फी पॉइंट है, जिस कारण से यहाँ पर पर्यटकों की, महिलाओं की भीड़ बेहद अधिक हो रही है, और शाम साथ ही में जो है शाम का ठंडा मौसम है, तो इस कारण से बहुत अधिक संख्या में महिलाएं भी आई है। और ये सावन मास का त्यौहार जो है बहुत खास माना जाता है। इसके कुछ हम आपको बातें भी बताना चाहेंगे, जैसे कि इसके आज के दिन जो है महिलाएं मेहंदी लगाती हैं, इस
इसके अलावा झूला झूलने के लिए आती है, इसके अलावा कई महिलाएं जो है हरा वस्त्र भी पहनना पसंद करती है। तो इस तरीके से इस त्यौहार को महिलाओं के बीच में सेलिब्रेट किया जाता है। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए ट्रिपल एस न्यूज़।